जाता है उसे, वो कैसे अपने बाप पर हाथ उठा रहा है, कैसे अपने भाई पर हाथ उठा रहा है, कैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का गला अपने हाथ से काट रहा है। ये वाकया आपने देखा, वो रिक्शे वाले एक आदमी को जो है दूसरे उसके दोस्त ने खत्म कर दिया। हाल में एक वाकया हुआ कि एक साहब घर से बाहर निकले, दो बच्चे झगड़ रहे हैं और दो बच्चे जब लड़ रहे हैं तो दोनों बच्चे उनके दोस्त के बच्चे हैं। अब उन्होंने दोनों को कहा है चलो बच्चों जाओ, एक पड़ोसी का बच्चा एक अच्छे दोस्त का बच्चा है, चलो चलो निकलो। फिर भी वो लड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, दोनों को जरा सा धक्का दे दिया, चलो बहुत हो गया तुम्हारा। अब वो नशे में थे, एक ने चाकू निकाला जो कि दोस्त का बेटा है, उनके खास दोस्त का बेटा, पड़ोसी का बेटा नहीं, खास दोस्त का बेटा, और उसने चाकू निकाल के इस तरह से मारा उनके जो है पेट के अंदर, वो आदमी उसी जगह मर गया। जब वो तो हो गया, अब होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। जब पुलिस स्टेशन ले जाने का दोष आया तो बोला यहां क्यों लाली मुझे, क्या हुआ था, आप समझ रहे। तो आपको नशा, हमको नशा अकल से मार देता है हमारी, और याद रखिए हर वो चीज जो अकल मारती है इंसान की, शरीयत ने उसको हराम करार दिया है। उलमा यहाँ बैठे हो बताएंगे मकासिद वाले हो, ये तुम्हारा मकसद है, जब तुम ये नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए कहा कि खैर उम्मत हो, और कहा कि तुम्हारा काम क्या है, तुम तो खैर उम्मत की नुखियत दे ना सामो ना बिल मारूफ ही होता ना अनिल मुनकर, तुम नेकियों का हुक्म देते हो बुराई से मना करते हो, ये काम तुम करते रहो। आपसे फरमाया कि तुम ये काम करते रहो वरना ऐसा हो जाएगा कि फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जब खराबी आएगी तो तुम बुराई का हुक्म देने लगोगे और भलाई से मना करना शुरू कर दो, और जब ये काम तुम खत्म हो जाएगा तो फिर जो कुछ सैलाब आएगा बुराई का, वो सैलाब को रोक नहीं सकेंगे, तुम्हारे मुत्तकी हजरात तुम्हारे लोग दुआएं करेंगे। और वो दुआ भाई ने जो आज कोशिश की, आपके महल्ले के तमाम लोग आज भी मुबारकबाद है, खुशूसियत के साथ जो खुशी होती है कि हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद है, और ये असल जो ये जो काम है तो अपने बच्चों को अपने नौनिहालों की तरबियत इस अंदाज में करना, उसके लिए इसकी बहुत अहमियत है।